नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कैट की परीक्षा का आयोजन होगा 3 शिफ्टों में। कॉमन एडमिशन टेस्ट का आयोजन 3 चरणों में किया जाना है। वहीं यह परीक्षा 29 नवंबर को 3 शिफ्टों में ली जाएगी, जिसके माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम में नामांकन करवाया जाएगा, जिसके तहत पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 12:30 बजे से 2:30 बजे तक और तीसरी 4:30 बजे से 6:30 बजे तक के बीच आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा से पहले परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्थान ने कॉमन एडमिशन टेस्ट 2020 परीक्षा के दिन के लिए दिशा निर्देश और एक COVID-19 एडवाइजरी जारी कर दी है, ताकि संक्रमण के फैले बिना ही परीक्षा का आयोजन करवाया जा सके, जिसका परीक्षा केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों और कर्मचारियों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। ध्यान रहे, कैट की 29 नवंबर को होने वाली परीक्षा में छात्रों को निर्देश दिया गया है कि आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। कल से छठ पूजा की हो रही है शुरुआत। छठ पूजा बिहार और झारखंड के निवासियों का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन इसका उत्सव पूरे उत्तर बिहार में देखने को मिलता है। आस्था के महापर्व का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है, क्योंकि कल से छठ का त्यौहार शुरू होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, छठ पूजा की शुरुआत षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले चतुर्थी से हो जाती है, जो कि इस बार बुधवार को है। चतुर्थी को ही नहाय खाय का आयोजन करवाया जाता है, जिसके बाद सभी छठ व्रतियां नहाय खाय के दिन घर की साफ सफाई और पवित्र करके पूरे दिन सात्विक आहार लेंगी। इसके बाद पंचमी तारीख को खरना शुरू होता है, जिसमें व्रती को दिन में व्रत करने और शाम को सात्विक आहार जैसे गुड़ के खीर, कद्दू के खीर आदि लेना होता है। पंचमी को खरना के साथ लोहंडा भी होता है, जो सात्विक आहार से जुड़ा है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तोड़ सकते हैं श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड। बिहार की राजनीति में नया इतिहास रच सकते हैं नीतीश कुमार, जिसके तहत नीतीश कुमार ने सोमवार को 2 दशक में 7वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जैसे राजग के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री सभी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। साझा की गई जानकारी के अनुसार लगातार 7वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले नीतीश कुमार बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, जिन्होंने बिहार की सेवा आजादी से पहले से लेकर दुनिया को अलविदा कहने तक की। हालांकि 1961 में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम दर्ज है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश का असर बिहार तक आज पहुंचा है। राजधानी पटना समेत राज्य भर में मौसम के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक दिन के अंदर राजधानी पटना का पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। इसके साथ ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में पारा और नीचे जाएगा और छठ पूजा तक यह तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट भी देखी जाएगी। राजधानी पटना में फिलहाल दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पटना का तापमान सोमवार को 26.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तंज भरे अंदाज में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दी मुख्यमंत्री बनने की बधाई। लगातार 7वीं बार बीते दिन मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संभाली है। वहीं उनकी इस नई जिम्मेदारी पर विपक्षी दलों की तरफ से तंज कसने का सिलसिला भी जारी है। कहने को तो सभी दल उन्हें मुख्यमंत्री पद को संभालने के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, मगर साथ ही तंज भी कस रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने तंज भरे अंदाज में मुख्यमंत्री के मनोनीत होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा के बजाय वो बिहार की जन आकांक्षा एवं राज्य के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। बिहार में नवगठित नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई आज। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक करवाई गई। इस पहली कैबिनेट मीटिंग में नीतीश सरकार ने 2 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। 23 नवंबर से 27 नवंबर तक सत्र बुलाया गया है। इसके साथ ही इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मुहर लगा दी गई है। हालांकि यह भी बताया गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण 26 नवंबर को होने वाला है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अगुवाई में सोमवार 16 नवंबर को 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। पूरे देश में राजधानी पटना प्रदूषित हवा के मामले में पहुंचा 3रे स्थान पर। दिवाली के बाद से ही पटना में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। पटना देश में कुल 116 शहरों में 3रे स्थान पर है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल के
के मुताबिक अगर किसी भी शहर का AQI लेवल 201 से अधिक है तो वहां की हवा खराब है। खराब हवा का असर वहां रहने वाले लोगों की सेहत पर भी पड़ता है। राजधानी की हवा दिन प्रतिदिन और ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि मुजफ्फरपुर प्रदूषित हवा की रैंकिंग में टॉप पर है। मुजफ्फरपुर का AQI लेवल 287 है, जबकि दूसरे नंबर पर मानेसर और तीसरे नंबर पर 251 के साथ पटना है। दिल्ली का AQI लेवल 212 दर्ज किया गया है। गांधी को निशाने पर लेने के बाद अब शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी पर कसा तंज। बीते दिन बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी नए चेहरों को दे दी गई है, जिसके बाद अब बयानबाजी शुरू हो गई है। अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में रहने वाले शिवानंद तिवारी ने अब सुशील मोदी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सुशील मोदी की भूमिका भाजपा में कम और नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर अधिक हो गई थी और यही कारण है कि भाजपा ने मोदी का पत्ता काट दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सुशील मोदी अन्य भाजपा नेताओं को उठने नहीं दे रहे हैं। वो रोजाना सभी विषयों पर बोलते थे और अखबार और टीवी में छपे बिना नहीं रह सकते थे। उनके व्यक्तित्व में गहराई की कमी है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे जीतन राम मांझी। नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक भी खत्म हो चुकी है, जहां पहली बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि 23 से लेकर 27 नवंबर तक पहला सत्र चलेगा। वहीं जानकारी के अनुसार हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। एनडीए ने फैसला लेकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए फाइल भेज दिया है। आपको बता दें, सदन में 34 साल से रहे मांझी इसके सदस्य रहे हैं। ऐसे में उनकी वरिष्ठता को देखते हुए एनडीए की तरफ से यह फैसला लिया गया है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया थका हुआ। बिहार की कमान एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाल ली है, जिसके बाद बयानबाजियों के बाजार भी गर्म नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल की लगातार बयानबाजियां भी चल रही हैं। अब प्रशांत किशोर ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को मनोनीत किया है, मगर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार थके हुए हैं और राजनीतिक रूप से कमजोर नेता है, और यही कारण है कि अब बिहार को कुछ और सालों के लिए अभावग्रस्त शासन के अप्रिय स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपको बता दें, पहले प्रशांत किशोर को जदयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के विरोधाभास वाले से जदयू ने पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद से लगातार प्रशांत किशोर सरकार के खिलाफ बोलते देखे गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने सुशील मोदी की नाराजगी के बाद से किया इनकार। बीते दिन बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री पद पर तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, मगर बिहार में उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी इस बार नए हाथों में सौंपी गई है और पहली बार किसी महिला को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नाराज होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने अपना बयान जारी किया है। इन सभी बातों से उन्होंने इनकार किया है। साथ ही उन्होंने सुशील मोदी को जल्द ही नई जिम्मेदारी देने की बात भी कही है। उन्होंने साफ कहा कि सुशील मोदी नाराज नहीं है, वो हमारे साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे इंदु भूषण सिन्हा की। इंदु भूषण सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1935 को बिहार में हुआ था। इंदु भूषण सिन्हा भारतीय नेफ्रोलॉजिस्ट और भारतीय राज्य बिहार से चिकित्सा अकादमी है। वो एक पूर्व प्रोफेसर और पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने द पटना जनरल ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1986 से लेकर 89 के संपादक के रूप में काम किया है और वो इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के जीवन सदस्य हैं। भारत सरकार ने चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया था। पटना एयरपोर्ट पर बदला फ्लाइट का शेड्यूल। कोरोना के कारण विमानों के पहिए पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब धीरे धीरे विमान सेवा को पहले की तरह ही शुरू करवाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब पटना से 100 विमानों के परिचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज पटना एयरपोर्ट से 50 जोड़ी फ्लाइट ऑपरेट होने वाली है, जिसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने सोमवार को ही नया शेड्यूल जारी कर दिया था, जिसके बाद अब 31 दिसंबर तक यह लागू रहेगा। पहले पटना में कुल 88 फ्लाइट को ऑपरेट किया जा रहा था। पटना एयरपोर्ट की तरफ से जो नया शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक दिल्ली के लिए 2, पुणे मुंबई कोलकाता और बेंगलुरु के लिए एक एक नई फ्लाइट ऐड की गई है। वहीं अब दिल्ली के लिए 14 के बजाय 16 फ्लाइट पटना एयरपोर्ट से ऑपरेट होगी, मुंबई के लिए 7, बेंगलुरु के लिए 9 से 10 फ्लाइट ऑपरेट किए जाएंगे। सीबीएसई परीक्षा में गूगल मैप की होगी अहम भूमिका। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड ने अब परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद अब सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों को गूगल मैप से जोड़ने वाला है। छात्रों को उनके प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र के लोकेशन का पता चलेगा। ज्ञात हो इसके लिए बोर्ड ने केंद्रों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सभी स्कूलों से स्कूल के आने जाने के रास्ते और स्कूल का सही पता उनके पिन कोड के साथ मांग भी लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण इस
बार बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने की संभावना है। इससे उन स्कूलों को भी केंद्र बनाया जाएगा जहां पर अभी तक केंद्र नहीं रहता था। ऐसे में केंद्र तक छात्रों को पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए गूगल मैप से केंद्रों को जोड़े जाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद केंद्र की जानकारी परीक्षार्थियों को उनके प्रवेश पत्र से भी मिलेगी। आकाश चोपड़ा ने साल 2021 के आईपीएल से धोनी को रिलीज करने की कही बात। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने धोनी को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उनका मानना है कि अगर 2021 आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन होता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन नहीं करना चाहिए। हालांकि चोपड़ा ने इसकी वजह भी बताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि सीएसके को धोनी को रिलीज कर देना चाहिए अगर मेगा ऑक्शन होता है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धोनी को टीम में ना रखें, वो अगला आईपीएल खेलेंगे और अगर आप उन्हें रिटेन करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए भरने होंगे। अगर धोनी रुकते हैं और वो मैच 2021 आईपीएल खेलते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए 2022 सीजन में वापस मिलेंगे, लेकिन अब आप उस पैसे का क्या करेंगे? यही मेगा ऑक्शन का फायदा है। सीएसके राइट टू मैच कार्ड के जरिए उन्हें वापस टीम में ला सकता है। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आकाश चोपड़ा के आईपीएल 2021 में धोनी को रिलीज करने के बयान से आप सहमत हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।